आज जिस पौधे के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मेरे पास में ये जो पौधा है, ये वास्तव में यह पूरे देश में मेरे जो किसान भाई हैं, वो सब इसको जानते हैं कि ये तिल है। तिल के जो औषधीय गुण हैं, जो हमारे रोगों को दूर करने के जो गुण हैं, उनको हम आज पहचाने जो वास्तव में बहुमूत्र के रोग से पीड़ित है, उनके लिए तिल रामबाण है। गोखरू और तिल का काढ़ा बना करके, गोखरू और तिल बराबर मात्रा में ले लें, 5 ग्राम गोखरू 5 ग्राम तिल, दोनों को मिला करके काढ़ा बना करके पिए। इससे दोनों लाभ होंगे। जिनको पेशाब कम होता है, पेशाब खुल के होने लगेगा, और जिनको पेशाब बार बार जाना पड़ता है, इससे यूरिन के लिए आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यदि वैसे खाने में आपको परेशानी हो, तो यदि आप 10 ग्राम काले तिल को थोड़ा सा शुद्ध घी डाल करके भून लें, हल्का हल्का सेकने के बाद में गुड़ को थोड़ा पिघला लें, उस गुड़ में उस तिल को मिला लें और लड्डू बना करके आप रख लें। रात्रि को एक लड्डू आप दूध के साथ लेते हैं या चबा करके पानी के साथ लेते हैं, तो उससे आपको मिलेगी रात्रि की जो बहुमूत्र की जो शिकायत है, उससे हमेशा के लिए मुक्ति। बहुमूत्र के लिए यह बहुत ही अत्यंत गुणकारी प्रयोग है, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, वो जानते हैं कितना कष्ट होता है रात को बार बार मूत्र के लिए उठना। बहुत सारी औषधियां भी जहां काम नहीं करती हैं, वहां पर यह तिल आपके लिए काम करता है। तिल का सेवन बहुमूत्र के लिए, चाहे वो बच्चे करते हों, चाहे वो जवान करते हों, चाहे मेरे बुजुर्ग, मेरे देश के भूतपूर्व नौजवान करते हों, उनके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है।